हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता और आप सबका बहुत स्वागत है ममाज वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेरा 2 साल का बेटा दिन भर में क्या खाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी 7:15 बज रहे हैं, सो 7 से 8 बजे का टाइम होता है जिसके बीच में वो उठ जाता है। एवरीडे मॉर्निंग सुबह उठते ही वो थोड़ा सा वार्म अप कर लेता है खुद को, थोड़ा सा घूमता है घर पर, उसको हम कडल करते हैं, थोड़ा सा प्यार देते हैं एंड उसके बाद में इमीडिएटली उसको चाहिए होता है मिल्क। सो वो हमें दूधू करके बताता है एंड देन यहाँ पे मैंने उसके लिए उसका मिल्क जो है वो ठंडा होने के लिए रख दिया है। सो सुबह वो 140 to 150 ml दूध पीता है। सो सुबह उठते ही उसको हर रोज़ दूध चाहिए एंड उसके बाद में वो एनर्जाइज हो जाता है एंड देन वो थोड़ा सा खेलने लगता है। इस टाइम पे वो घर पर ही खेलना प्रेफर करता है, उसके टॉयज़ के साथ या जो भी घर पे चीज़ें हैं उसके साथ में वो एंगेज रहता है। उस दरमियान मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। तो आज मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट में बनाया है आलू पराठा। उसको आलू पराठा बहुत पसंद है। इक्वेलेंटली वो पोहा भी बहुत अच्छे से खा लेता है, उपमा खा लेता है। सो ब्रेकफास्ट में मैं उसको जो भी होममेड सिंपल फूड होता है, हेल्दी एंड हेवी ब्रेकफास्ट देना मैं प्रीफर करती हूँ। फिर इसमें डोसा हो सकता है, पराठा हो सकता है, पोहा, उपमा। सो आई एम थिंकिंग कि मैं उसके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स पे एक अलग से सीरीज़ बनाऊंगी कि ब्रेकफास्ट में आप क्या दे सकते हो, लंच में आप क्या दे सकते हो। सो इससे आपको बहुत सारी आइडियाज़ मिलेगी कि क्या हम बच्चे के लिए प्लान कर सकते हैं। सो आई ऑलवेज़ प्रीफर कि मैं घर पर बना हुआ सिंपल फूड एंड हेल्दी वे में बना हुआ फूड उसके लिए दूँ। सो जंक फूड मैं टोटली अवॉइड करती हूँ। मैंने उसको ब्रेड बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, 1 या 2 बार ही उसको मैंने ब्रेड दिया था। सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि उसको सिंपल हमारा इंडियन जो खाना है जो हम घर पर बनाते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहता है एंड मैं वही प्रेफर करती हूँ उसको देना। इस एज में बच्चे खुद से खाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से भी उनको अलाउ कर सकते हो, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बच्चे खेलने में लगते तो ठीक से नहीं खाते, सो हमें भी उनको फीड करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद में वो और ज़्यादा एनर्जाइज हो जाता है एंड देन हम जाते हैं नीचे गार्डन में खेलने के लिए। सो यहाँ पे आजकल उसका फेवरेट गेम है मिट्टी में खेलना। मिट्टी में अगर वो खेलने लगता है तो 1-1 घंटा वो वहाँ से नहीं उठता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो प्ले एरिया में भी खेलता है, बाकी बच्चों के साथ भी वो इंटरेक्ट करता है। सो बच्चों को गार्डन में सोशल जगह पर लेके जाना भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि बच्चों का जो सोशल नेटवर्किंग है या वो सोशलिज्म होता है वो स्किल इम्प्रूव होता है। दिन प्लेग्राउंड से खेल के आने के बाद में वो उसका मॉर्निंग नैप लेता है। सो दिस इज़ लाइक मिड अर्ली आफ्टरनून नैप इसको बोल सकते हैं। इस टाइम पे भी वो थोड़ा सा दूध पीना प्रेफर करता है, अराउंड 100 ml दूध वो पीता है एंड वो उसका दोपहर का नैप लेता है। सो उसका ये नैप बेसिकली 12 से 3 बजे के बीच में रहता है एंड जब भी वो 2:30-3 बजे उठता है तब उसका लंच टाइम होता है। सो आज मैंने उसके लिए लंच में दिया है रोटी, जो चपाती है वो एंड जागरी मिक्स, वो उसको बहुत पसंद है और इस तरह से वो एक पूरी रोटी खा लेता है एंड साथ में राइस और भिंडी की सब्ज़ी। सो कभी कभी वो सिर्फ रोटी खाना पसंद करता है एंड बाद में राइस, या कभी कभी सिर्फ राइस खाना पसंद करता है। अभी भी सब्जी रोटी प्रॉपरली वो नहीं खाता है, लेकिन मैं उसको रोटी जागरी के साथ मिक्स करके देती हूँ जो उसको ज़्यादा पसंद है। कभी कभी इसमें हम मिल्क भी ऐड करते हैं, इसमें मैं हनी डालती हूँ, उसको हनी भी डाल के बहुत ज़्यादा पसंद है। लंच होने के बाद में अगेन उसका प्ले स्टार्ट होता है, वो खेलने लगता है। सो आप अभी नोटिस करोगे कि बच्चों का जो प्लेइंग टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है, जो बच्चे सुबह उठने के बाद से लेकर शाम तक खेलते हैं, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा उनको भूख लगेगी और जितना अच्छे से खाएंगे उतना वो अच्छे से नींद भी लेते हैं। हम अगेन उसको अगर नीचे जाना है तो हम गार्डन में लेके जाते हैं। तो सुबह नॉर्मली 1 घंटा वो
सुबह हम गार्डन में जाते हैं एंड शाम को 1 घंटा उसको हम नीचे लेके जाते हैं। तो वहाँ पे उसकी उसको जो भी चीज़ से खेलना है, कभी वो उसकी गाड़ी लेके जाता है, कभी प्ले एरिया में खेलता है, कभी उसको जस्ट गार्डन की मिट्टी के साथ खेलना है, कभी उसको जस्ट राउंड लगाने होते हैं। सो वो 2-3 राउंड पूरी सोसाइटी को लगा देगा। सो ये बच्चों के मूड पर डिपेंड करता है कि अभी उनका क्या मूड है। और उसके बाद में हम ऊपर जाते हैं एंड इस टाइम पे मैं उसको देती हूँ कुछ स्नैक। सो अभी ये टाइम होता है 6 से 7 बजे का शाम का। सो इस टाइम पे या तो हम उसको स्नैक देते हैं या तो वो दूध पीना प्रेफर करता है। बट अभी जैसे कि मुझे उसका दूध का इंटेक थोड़ा कम करना है, सो मैं प्रेफरेबली उसको स्नैक्स देती हूँ। सो अभी मैंने उसके लिए दिया है पम्पकिन पूरी, जो उसको बहुत पसंद आ रही है। लेकिन इसके अलावा हम उसको बहुत सारी बाकी चीज़ें देते हैं, या जैसे कि हम बनाना इस टाइम पे देते हैं, या राजगीरा का लड्डू हो गया, या होममेड नाचनी का लड्डू हो गया, या होममेड चिवड़ा हम देते हैं उसको, या कोई भी फ्रूट जैसे कि चीकू बनाना, जो भी हम उसको देना चाहते हैं इस टाइम पे हम देते हैं। उसके बाद में हम उसको देते हैं 7 से 8 के बीच में स्क्रीन टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सुबह से बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं, सो थोड़ा उनको रिलैक्स करना ज़रूरी है। एंड अगर मैं गाने जो है स्पीकर पे चलाती हूँ, लेकिन अगर मैं स्पीकर पे चलाऊँ तो भी वो कूदता रहता है, खेलता रहता है। सो मैं चाहती हूँ कि एक जगह पे बैठ के वो थोड़ा सा रिलैक्स करे, इसलिए मैं उसको स्क्रीन टाइम देती हूँ। देन डिनर के लिए मैंने उसके लिए प्रिपेयर की है दाल खिचड़ी। सो डिनर में मैं प्रिफर करती हूँ लाइट फूड। सो नॉर्मली राइस, अलग अलग टाइप के राइस, चाहे दाल चावल हो या दाल खिचड़ी हो या पालक राइस हम बनाते हैं उसके लिए, या तो बाजरे की रोटी भी हम देना प्रिफर करते हैं, क्योंकि उसको बाजरे की रोटी पसंद है। प्लेन बाजरे की रोटी वो खाना पसंद करता है एंड वो डाइजेशन के लिए भी लाइट होती है। सो अगेन मैंने जैसे कि बोला, जो मैं सीरीज़ बनाऊंगी उसमें मैं सारे डिटेल्स बताऊंगी कि क्या डिनर ऑप्शंस हो सकते हैं बच्चों के लिए, क्या ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या लंच ऑप्शंस हो सकते हैं। सो डिनर होने के बाद में अगेन उसको थोड़ा सा टाइम पास होता है, वो थोड़ा सा खेलता है। इस बीच में हमारा डिनर और मेरा बाकी किचन का काम मैं ख़त्म कर देती हूँ। वो दूध पी के सो जाता है रात को। अगेन 100 to 110 ml दूध वो पीना प्रेफर करता है। सो इस तरह से वो दिन में उसका डाइट रहता है। एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।